horseman's resting place. तो दोस्तों आज की हमारी इस मूवी का नाम है स्लीपी होलो और ये मूवी जॉनी डेप की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। तो आइए इस मूवी को देखते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है 1799 न्यूयॉर्क सिटी से, जहां पर कांस्टेबल इचाबोड को पानी में एक लाश मिलती है। तो इचाबोड उस लाश को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट में आता है, जहां पर सीनियर उस लाश को चलाने के ऑर्डर देते हैं। लेकिन इचाबोड उन्हें समझाता है कि हमें इस लाश का पोस्टमार्टम करना चाहिए कि उस आदमी की मौत पानी में डूबकर हुई है या नहीं। लेकिन सीनियर उसकी बात को इग्नोर करता है और ऐसा इचाबोड के साथ में पहली बार नहीं हुआ था। इचाबोड जब भी किसी लाश को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट में आता है तो उनके सीनियर बिना किसी जांच के उस लाश को जला देते हैं और इसीलिए इचाबोड अपने प्रेजेंट टाइम के जस्टिस सिस्टम और कानून से नफरत करता है। अब एक दिन इचाबोड कोर्ट में केस लड़ रहा था, लेकिन जज उसके मैथोलॉजी की बातें सुन सुनकर पक गए थे और इसीलिए वो इचाबोड को एक मिस्टीरियस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्लीपी होलो नाम के एक गांव में भेजते हैं, जहां पर हाल ही में 3 मर्डर हुए हैं और उनके सर लापता हैं। अभी इचाबोड निकलता है एक मिस्टीरियस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहां पर रास्ते में इचाबोड उस केस की डिटेल पढ़ता है, लेकिन उसे उस किलर के बारे में कुछ पता नहीं चलता है जो कि वहां पर मर्डर कर रहा था। अब इचाबोड स्लीपी होलो नाम के गांव में आता है, जहां के लोग उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। फिर इचाबोड उस गांव के मशहूर बिजनेसमैन बाल्टस के घर पर आता है, जहां पर उसकी मुलाकात बाल्टस की बेटी कैटरीना से होती है। फिर वो बाल्टस और उसकी दूसरी पत्नी से मिलता है और इचाबोड उन्हें बताता है कि वो एक कांस्टेबल है और वो न्यूयॉर्क शहर से यहाँ पर 3 मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आया है। बाल्टस उसे एक कमरे में बुलाता है जहाँ पर गाँव के कुछ और लोग थे और इचाबोड उनसे मर्डर के बारे में पूछताछ करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि वो किलर एक बिना सर वाला घुड़सवार है जो कि घोड़े पर बैठकर गांव में आता है और किसी को बुरी तरह से मारकर उसका सर अपने साथ में ले जाता है। लेकिन इचाबोड को उनकी इन बातों पर यकीन नहीं होता है और इसीलिए गांव वाले उसे उस घुड़सवार की हिस्ट्री बताते हैं कि वो घुड़सवार हेसन मर्सिनरी था और हेसन वो सैनिक थे जिन्हें इंग्लैंड के साथ में युद्ध करने के लिए भेजा था, जिसमें से एक वो घुड़सवार भी था। उस घुड़सवार को शैतान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो अपने दुश्मनों का बेरहमी से सर काटता है। वो युद्ध में भी ऐसे ही करता है, जब भी कोई उस घुड़सवार पर अटैक करता है तो उससे पहले ही वो उसका सर काट देता था और ऐसा करते करते वो घुड़सवार काफ़ी सैनिकों को मार देता है, जिससे कि इंग्लैंड की सेना को भारी नुकसान हुआ था। अब युद्ध खत्म होने के बाद में इंग्लैंड के कुछ सैनिकों ने मिलकर उस घुड़सवार पर हमला किया था, जिसमें घुड़सवार को गोली लगी और बुरी तरीके से घायल हो गया था। उस घुड़सवार को काफ़ी लगी थी, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है और इंग्लैंड में उसे सैनिक घेर लेते हैं। तो घुड़सवार उनसे लड़ने लगता है और तभी दो सैनिक उसे घायल कर देते हैं, जिसके बाद में वो उस घुड़सवार का सर काट कर उसे दफना देते हैं। लेकिन अब 20 साल के बाद में वो अपना बदला लेने के लिए लोगों को बेरहमी से उनका सर काट के मार रहा है और वो उनका सर अपने साथ में ले जाता है। गांव वालों की इन बातों को सुनकर इचाबोड के हाथ कांपने लगे थे, लेकिन वो अपनी जांच को चालू रखता है। अब उसी रात को वो बिना सर वाला घुड़सवार जोनाथन नाम के एक आदमी का मर्डर करता है। तो अगले दिन इचाबोड उसी लाश की जाँच करने के लिए वहाँ पर आता है और वो वहाँ पर जोनाथन का सर गायब दिखता है, लेकिन उसके शरीर से खून नहीं निकल रहा था, मानो कि जैसे किसी ने उसका सर को गर्म चीज से काट दिया हो। लेकिन जब इचाबोड जोनाथन की लाश चेक करता है तो उसे लाश पर कहीं भी जलने के निशान नहीं मिलते हैं और इसे देखकर इचाबोड हैरान होता है क्योंकि उसने ऐसा मर्डर अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। अब जोनाथन की लाश दफनाने के बाद में इचाबोड यहाँ से जाने लगता है और तब जोनाथन का बेटा मजबत उसका साथ में इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है, तो इचाबोड भी उसे अपने असिस्टेंट के रूप में रख लेता है और तभी उसे मजिस्ट्रेट बताता है कि अब तक 5 मर्डर हुए हैं, लेकिन उन्हें लाशें 4 ही मिली है। और फिर इचाबोड उन 4 लाशों को चेक करता है तो उसे एक लेडी के पेट में कट दिखाई देता है। वो उसे देखकर हैरान था और इसीलिए इचाबोड उस लेडी का पोस्टमार्टम करता है और उससे पता लगता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए अब तक 5 मर्डर होने के बाद भी 4 लाशें ही मिली थी। फिर उसी रात को इचाबोड बाहर टहल रहा था, तभी उसे वो सिर कटा घुड़सवार दिखता है जो कि इचाबोड पर हमला करता है, लेकिन वो उसे जिंदा छोड़ देता है। वो डर के मारे इचाबोड बेहोश होता है। जब इचाबोड की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को किसी के घर में पाता है और फिर वो अपने बाजू के कमरे में चेक करता है तो वहाँ पर उसे कैटरीना मिलती है। दोनों के बीच में बातचीत होती है, जिसमें कैटरीना बताती है कि उसकी असली माँ की मौत किसी बीमारी के कारण 2 साल पहले हो गई थी और वो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ में रहती है।
उसकी सौतेली माँ पहले उसे संभालती थी और फिर उसके पिता ने उसकी सौतेली माँ से शादी कर ली और फिर स्लीपी हॉलो गांव में उन्हें सबसे अमीर आदमी पीटर ने सहारा दिया, जिसके बाद में कैटरीना के पिता उसी के लिए काम करने लगे और उनकी कड़ी मेहनत को देखकर पीटर ने उन्हें इतना बड़ा मेंशन गिफ्ट में दिया है। अब उन दोनों के बीच में ऐसी बातें चलती है जिसमें इचाबोर्ड को पता चलता है कि कैटरीना को जादू टोना आता है, जो कि उसकी माँ को भी आता था, लेकिन उसके पिता को इससे बहुत नफरत थी, जिसके चलते एक दिन उसके पिता ने उसको मार दिया था। फिर एक दिन गांव वाले एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं और उनमें से एक मजिस्ट्रेट अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगता है और उसे वहाँ से भागता हुआ इचाबोर्ड देख लेता है, तो उसे मजिस्ट्रेट पर शक होता है और इसीलिए इचाबोर्ड मजिस्ट्रेट को रास्ते में रोक लेता है और उसे उस लेडी की प्रेगनेंसी वाली बात के बारे में पूछता है कि इस गांव में सिर्फ तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। मजिस्ट्रेट इचाबोर्ड को कहता है कि उस लेडी ने उसे अपने प्रेगनेंसी वाली बात बताई थी और उसे आगे चलकर उसके बच्चे को संभालने को कहा था। इचाबोर्ड उस लेडी के पति का नाम पूछता है और मजिस्ट्रेट बताने ही वाला था कि तभी वो सरकाटा घुड़सवार आता है और उसका सर काट कर अपने साथ में ले जाता है। अब तक इचाबोर्ड सरकटे हॉर्समैन के बारे में सुनकर ही कांप रहा था, लेकिन अब उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था, जिसके बाद में वो बीमार पड़ गया था। और तभी उसे बाल्टस और कैटरीना मिलने आती है तो इचाबोर्ड उन्हें उस सरकटे घुड़सवार के बारे में बताता है, लेकिन डर के मारे वो बेहोश हो जाता है और अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो अपने असिस्टेंट के साथ उसी जगह पर जाने लगता है जहाँ पर उस सरकटे घुड़सवार को दफनाया था, लेकिन उन्हें उस जगह का रास्ता नहीं पता था और इसीलिए वो एक गुफा में आते हैं जहाँ पर एक चुड़ैल रहती थी। इचाबोर्ड उसे जैसे तैसे उस सरकटे घुड़सवार की कब्र की लोकेशन पूछता है तो वो चुड़ैल उससे एक पहेली में बताती है। इचाबोर्ड उस पहेली को सुलझाते हुए आगे बढ़ने लगता है और तभी जंगल में उसे कैटरीना मिलती है, जिसके बाद में वे तीनों पहेली को हल करके उस सरकटे घुड़सवार की कब्र तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इचाबोर्ड को एक सूखा पेड़ दिखाई देता है जिसमें से खून निकल रहा था और इसीलिए वो उस पेड़ को काटने लगता है, लेकिन अब उस पेड़ से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर इचाबोर्ड उस सिरकटे घुड़सवार की कब्र को खोदता है जिसमें अब उस सिरकटे घुड़सवार की हड्डियाँ ही थी, लेकिन उसका सर गायब था। दरअसल किसी ने उसकी कब्र को खोद कर उसका सर चुरा लिया था और इसीलिए वो सिरकटे घुड़सवार लोगों के सर को काट कर अपना सर ढूंढ रहा है। फिर तभी अचानक से उस सूखे हुए पेड़ से कटे हुए सर का सीक्रेट रास्ता खुल जाता है, जिसमें से वही सर कटा हुआ घुड़सवार बाहर निकलता है और वो गांव की तरफ जाने लगता है, तो इचाबोर्ड उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन तब तक वो एक परिवार का सर काट चुका था जिसमें एक कपल और उनका बेटा था। फिर वो घुड़सवार यहाँ से जाने लगता है कि तभी उसकी लड़ाई इचाबोर्ड और उसके दोस्तों से होती है, जिसमें से घुड़सवार इचाबोर्ड के दोस्त को मार देता है और अब इचाबोर्ड ये समझ गया था कि कोई तो है जो कि उस घुड़सवार के सर को चुराकर उसे कंट्रोल कर रहा है। अब फिर वो इस केस को शुरू से समझता है, जिसके बाद में उसका शक इस गांव के सबसे अमीर आदमी पीटर की जायदाद पर जाता है, क्योंकि तभी से मर्डर हो रहे हैं। पीटर की मौत के कुछ दिन पहले उसके बेटे और पीटर के बीच में बहस हुई थी और वहीं पीटर ने छुपकर प्रेगनेंसी वाली लेडी से शादी कर ली थी, जिसका गवाह जोनाथन था, लेकिन एक एक करके सबको उस सरकटे घुड़सवार ने मार दिया था। पीटर की शादी और उसके बच्चे के बारे में अब सिर्फ मजिस्ट्रेट को ही पता था, लेकिन उसे भी मार दिया गया था। अब इचाबोर्ड पीटर की जायदाद के वारिस के बारे में पता लगाने के लिए पासी के एक ऑफिस में आता है, जहां पर उसे पता चलता है कि पीटर ने मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद अपनी पत्नी और उसके पेट में जो बच्चा है उसके नाम कर दी थी, लेकिन अब वे मारे गए थे। तो इचाबोर्ड सोचता है कि अब पीटर की जायदाद से किसे फायदा हो सकता है। तभी उसे बाल्टस पर शक होता है, लेकिन वो पीटर का दोस्त था और इसीलिए इचाबोर्ड का शक कैटरीना पर आता है, क्योंकि उसे काला जादू आता था और जंगल में बिना किसी डर से अकेले घुमा करती थी और इसीलिए इचाबोर्ड को लगता है कि कैटरीना जायदाद के लिए उस सरकटे घुड़सवार को कंट्रोल करके लोगों को मार रही है। अभी इचाबोर्ड कैटरीना के कमरे में आता है तो बेड के नीचे एक निशान को देखता है जो कि इचाबोर्ड को काला जादू लगता है। वही रात को बाल्टस अपनी पत्नी को जंगल में देखता है और तभी उसके पीछे हेडलेस घुड़सवार आता है और इसीलिए डर के मारे गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए चर्च में छुप जाते हैं। बाल्टस भी अपनी जान को बचाकर चर्च तक पहुंच जाता है और फिर वो कैटरीना को बताता है कि तुम्हारी सौतेली माँ जंगल में फंसी हुई है और अब तक उसे उस सर कटे हुए घुड़सवार ने मार दिया होगा। तभी वो घुड़सवार वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो चर्च के नीचे नहीं जा पाता है। वो घुड़सवार बाल्टस को चर्च से बाहर निकालकर मार डालता है और ये देखकर कैटरीना वहीं पर बेहोश हो जाती है।
तभी इच्छाबोट कैटरीना के बनाए हुए निशान को देखता है तो उसे काला जादू ही लगता है। और अब बाल्टस की मौत के बाद में उसकी जायदाद के वारिस कैटरीना ही बची हुई थी। अब इन सब के बाद में इच्छाबोट को लगता है कि उसने ये मिस्टीरियस केस को सॉल्व कर लिया है और इसीलिए वो कैटरीना के बारे में किसी को नहीं बताने का फैसला करता है, क्योंकि अब वो कैटरीना से प्यार करता था और इसीलिए वो यहाँ से चुपचाप जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त उसे कैटरीना की याद आ ही रही थी और इसीलिए वो कैटरीना की दी हुई जादू टोने की किताब को पढ़ता है। तो इच्छाबोट को पता चलता है कि चर्च में कैटरीना ने काला जादू नहीं किया था, वो तो बल्कि लोगों की जान बचा रही थी। वहीं पर कैटरीना की सौतेली माँ अचानक से उसके सामने आती है और कैटरीना उसे सही सलामत देखकर हैरान थी, क्योंकि सबको लगता था कि उस सरकटे घुड़सवार ने उसकी सौतेली माँ को मार दिया है। कैटरीना को लगता है कि अब उसकी सौतेली माँ भूत बन गई है और इसीलिए वो डर के मारे बेहोश होती है, जिसके बाद में उसकी सौतेली माँ उसे अगवा करके गांव से दूर विंडमिल के अंदर ले आती है, जहाँ पर वो काला जादू करने लगती है। और फिर वो उस घुड़सवार के सर को कंट्रोल करके उसे ऑर्डर देती है कि वो कैटरीना को मार दे। लेकिन ये सब कैटरीना देख रही थी और वो इस बात से हैरान थी कि उसकी सौतेली माँ ने उस घुड़सवार का सर चुराया है जिसने कई सारे मासूम लोगों की जानें ली थी। अब कैटरीना उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और इस पर कैटरीना की सौतेली माँ ये बताती है कि जब वो छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हुई थी, तो गांव वालों ने उसके परिवार की जायदाद छीन ली थी जिसके कारण वे सभी सड़क पर आ गए थे। लेकिन उसकी माँ को काला जादू आता था और इसीलिए गांव वालों ने उन्हें गांव में रहने नहीं दिया, और इसीलिए उसे अपनी बहन और अपनी माँ के साथ में आराम की ज़िंदगी को छोड़कर जंगल में भटकना पड़ा, जहाँ पर जंगल में उसका और उसकी बहन का सामना उस जिंदा घुड़सवार से हुआ जिसके सामने ही उसे मारकर दफना गया था। और तब से उसने अपनी जायदाद वापस पाने के लिए एक प्लान बनाया जो कि अब कैटरीना की मौत से पूरा हो जाएगा, उसे अपनी पूरी जायदाद मिल जाएगी। तभी कैटरीना भागकर बाहर आती है जहाँ पर इच्छाबोट भी पहुँच गया था। फिर तभी कैटरीना को मारने के लिए वहाँ पर वो सिर कटा हुआ घुड़सवार आता है और इसीलिए वे सब उस विंडमिल के अंदर चले जाते हैं, जिसके पीछे वो घुड़सवार भी आता है। तो इच्छाबोट उस विंडमिल में आग लगाकर वहां से दूर चला जाता है। तभी इच्छाबोट देखता है कि उस आग से उस बिना सर वाले घुड़सवार को कुछ नहीं हुआ है, तो कैटरीना को लेके वो यहां से भागने लगता है। लेकिन वो घुड़सवार उनका पीछा नहीं छोड़ता है और वो इच्छाबोट पर हमला करता है, जिससे कि इच्छाबोट बचकर उस घुड़सवार का पीछा छोड़ देता है। लेकिन अब वो सब उस घुड़सवार के घर पर आते हैं जहाँ पर उनका इंतजार कैटरीना की सौतेली माँ कर रही थी, और जैसे ही उनके सामने इच्छाबोट आता है तो वो उसे गोली मार देता है। फिर वहाँ पर वो सिर कटा हुआ घुड़सवार आता है और वो कैटरीना को मारने वाला था कि तभी इच्छाबोट कैटरीना की सौतेली माँ से उसका सर छीनकर उसे दे देता है, जिससे कि उस घुड़सवार को अपना सर मिल जाता है। और इसीलिए अब वो कैटरीना की सौतेली माँ के चंगुल से आज़ाद हो गया था। वो फिर अपने असली फेस में आ जाता है और उसे पता लग गया था कि उसके सर को कैटरीना की सौतेली माँ नहीं चुराया था और उसी ने उससे कई सर लोगों को मरवा दिया था। मूवी के एंड में इच्छाबोट कैटरीना को अपने साथ में ले जाता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में हमें देखते हैं कि इच्छाबोट एक कांस्टेबल था जिसे कई माइथोलॉजी पर यकीन था, लेकिन न्यूयॉर्क के कोर्ट में स्लीपी होलो गांव का केस आता है जहाँ पर एक घुड़सवार लोगों को मार रहा था, और इसीलिए न्यूयॉर्क के चर्च ने इच्छाबोट को स्लीपी होलो भेजा, जहाँ पर उसे पता लगता है कि एक घुड़सवार है जो कि लोगों को मार रहा है, और असल में वो कैटरीना की माँ थी जिसे काला जादू आता था और अपने काले जादू से उस घुड़सवार के सर को चुराकर उससे सभी लोगों को मरवा रही थी। लेकिन इन द एंड ये पता चली गया कि ऐसा कौन कर रहा था, और इसीलिए इच्छाबोट अपने साथ में कैटरीना को वापस ले आता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूँ।